नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष आवंटित किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है। पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहर में रैली निकालकर अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया गया और झारखंड सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई। झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। युवा मोर्चा की ओर से राज्यपाल के नाम उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष चंदन झा ने कहा कि विश्व का माहौल इस समय बहुत खराब है। अफगानिस्तान और तालिबान इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे में देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के चलते तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता उनकी मनसा को समझ चुकी है और इसका परिणाम जल्द ही सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को उखाड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये जो जेएमएम और कांग्रेस की जो ठगबंधन की सरकार है, वो लोग कुछ परिवार को अपना व्यक्तिगत फायदा के चलते ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि ये अभी जो समय है, जो दुनिया हम लोग किस माहौल से जूझ रहे हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, क्या हो रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग का देश है, देश सुरक्षा है तो समाज है, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, सभी संख्यक है। लेकिन अगर देश सुरक्षित नहीं है तो ये कभी भी ये संभव नहीं हो सकता है कि हम लोग समाज से बढ़ करके लड़ाई कर सके। इसलिए पहले हम लोग अपना देश को सुरक्षित करें और कुछ लोगों के अपने स्वाभिमान, अपने स्वार्थ के चलते अगर ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति करती है तो इस जनता को इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। और ये जनता जाग भी चुकी है कि जब वो कोई तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि ये वोट की राजनीति है, लेकिन जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा जनता अब समझ चुकी है और ये देश की परिस्थिति को उन लोग बहुत अच्छा तरह से भांप चुकी है। इसके लिए मैं ठगबंधन सरकार से बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपकी मंसूबा है ये कभी पूरा नहीं होगी और ये भारतीय जनता पार्टी आपको जब तक जड़ से उखाड़ ना दे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चाईबासा गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 417वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दो दिन पूर्व शुरू हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ आज समाप्त हुआ। छोटे बच्चों द्वारा शबद कीर्तन किया गया। जमशेदपुर से आए जत्थे द्वारा कीर्तन किया गया। अरदास के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चाईबासा सहित आसपास के सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह खोखर ने सभी लोगों को प्रकाश उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि सिखों के 10 गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब भी एक गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश उत्सव हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ था। आज गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में श्री गुरु सिंह सभा द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 417वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसी दिन अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश किया गया था, जिसको आज 417 साल हो गए। सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत महत्व है। हमारे 10 गुरुओं के बाद देहधारी 10 गुरुओं के बाद ये गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु हैं। हम लोग इसको गुरु स्वरूप मानते हैं, जिसका अखंड पाठ परसों से 48 घंटे चला, इसकी आज संपूर्णता हुई। तदुपरांत ये निशान साहब जो 4 अप्रैल को स्थापित हुआ था हड्डोली, इसका चोला बदला गया और उसके बाद जमशेदपुर से आए रागी जत्था
सरदार गुरदीप सिंह और उसके साथी अवतार सिंह और राजेंद्र सिंह जी द्वारा शब्द कीर्तन किया गया। अब अरदास हुई है, अरदास में यही स्पर्श मांगा गया है कि सारा विश्व कोरोना मुक्त हो, जितने भी लोग इस कोरोना के काल ग्रसित हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अरदास की गई। तो अब गुरु का टूट लंगर बताया जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन चुनाव के नामांकन पर्चा खरीदने और दाखिल करने के मंगलवार को दूसरे दिन 20 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा और 20 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। दूसरे दिन तक कुल 96 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा और 44 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। जिला बार एसोसिएशन चुनाव का 8 सितंबर को नामांकन पत्र खरीदने और नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 12 पदों के लिए किया जाएगा। चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 251 मतदाता के द्वारा किया जाएगा। मतदान और मतगणना 15 सितंबर को होगा। चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार का चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के पद के लिए दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस पद के लिए कौन कौन प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, इसका खुलासा 8 सितंबर को होगा। वहीं चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच अभी से लॉबिंग तेज हो गई है। मारवाड़ी सभा की ओर से 11 सितंबर को मेधावी छात्र सम्मान का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में मारवाड़ी समाज के 50 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में विशेष योग्यता प्राप्त की है। चाईबासा मारवाड़ी सभा के अध्यक्ष पवन खिरवाल ने बताया कि सम्मान समारोह स्थानीय पिल्लई हॉल में होगी। समारोह में मुख्य अतिथि पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन होंगे। समारोह में 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के अलावे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए की डिग्री प्राप्त करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला परिवहन ने वर्ष 2021 अगस्त माह में 293,33,000 लक्ष्य के विरुद्ध 145,28,000 रुपए का राजस्व वसूल किया है। जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस ने राजस्व संग्रहण के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर बताया कि अगस्त माह का लक्ष्य 293,33,000 के विरुद्ध 145,28,000 रुपए का राजस्व संग्रहण किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक लक्ष्य 3,520,00,000 रुपए के विरुद्ध अगस्त माह तक 572,63,000 रुपए का अब तक संग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वाहनों से अगस्त माह में 83,000 का जुर्माना वसूल किया गया है। छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में गिरफ्तार कोल्हान विश्वविद्यालय पीजी सेंटर दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के अखौरी को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कानूनी कार्रवाई होने के बाद उनका सस्पेंड होना तय माना जा रहा था। आज कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सारे तथ्यों को देखते हुए के अखौरी को सस्पेंड कर दिया गया है। अखौरी 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अपनी घिनौनी करतूत के कारण उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है और अब जेल की हवा खा रहे हैं। प्रोजेक्ट विद्यालयों में वर्ष 1984-85 में प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला चाईबासा विधायक दीपक बिरवा ने विधानसभा सत्र के अल्पसूचित प्रश्न के दौरान उठाया। विभाग ने कहा कि उक्त विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों के वेतन भुगतान 4 फरवरी 1989 में आदेश निर्गत किया गया था। उक्त आदेश के बावजूद अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कई शिक्षक और कर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं और कई सेवानिवृत्त के कगार पर हैं। विधायक ने सभी शिक्षकों और कर्मियों का वेतन भुगतान करने की मांग की है। मनोहरपुर प्रखंड मुख्यालय में जिला प्रशासन की ओर से 8 सितंबर को दिव्यांग जनों के लिए एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया जाएगा।
कैंप में दिव्यांग जनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मनोहरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उराव ने बताया कि कैंप में आनंदपुर प्रखंड और मनोहरपुर प्रखंड के दिव्यांग आकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कैंप आयोजन को लेकर बीडीओ ने बाजार, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों पर माइक लगाकर प्रचार प्रसार कर लोगों को सूचना दी। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चैम्बासा के कार्यपालक अभियंता संजय शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। तातनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और कार्य से अधिक भुगतान के मामले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। आज इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 30 मई 2021 को झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण करने चैम्बासा पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने तातनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भी निरीक्षण किया था और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। इस जलापूर्ति योजना का कार्य चैम्बासा के ठेकेदार आनंद सिंह उर्फ गुड्डू द्वारा कराया जा रहा है। हालांकि योजना किसी दूसरी कंपनी के नाम से आबंटित की गई है। आनंद सिंह को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में माफिया ठेकेदार के रूप में जाना जाता है। ठेकेदार और विभागीय मिलीभगत के कारण ही तातनगर में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई। योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता बरते जाने और कार्य से अधिक भुगतान के मामले को लेकर विभाग द्वारा मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा जांच कराई गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्यपालक अभियंता संजय शर्मा से 26 जून को स्पष्टीकरण पूछा गया। जांच समिति ने संजय शर्मा को बिना आपूर्ति किए पाइप का भुगतान करने, निर्माणाधीन अवयवों का भुगतान कराए गए कार्य से अधिक करने, मापी पुस्तिका की जांच नहीं करने, मोबिलाइजेशन एडवांस का समायोजन नहीं करने का दोषी पाया गया। विभाग ने संजय शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित करते हुए आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया है। कार्यपालक अभियंता संजय शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पेयजल और स्वच्छता अंचल दुमका रहेगा। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम की कोर कमेटी की बैठक एक स्थानीय होटल में हुई। बैठक से पूर्व कोर कमेटी के दो सदस्य प्रभात दुदराज का और सुरेश जायसवाल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कोर कमेटी के बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने पर मंथन किया गया। संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और 27% आरक्षण लागू करने के लिए आंदोलन तेज करने पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय महासचिव अनंत लाल विश्वकर्मा ने कई जिला कमेटी का गठन और अध्यक्ष के चुनाव सहित पूर्व की भांति संगठन द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।